उनके मुंह से अब ये भी तो बुलवा दो कि एनआरसी सीएए का कोई मतलब नहीं है ना, फालतू खर्च है, आज क्या बोलना कल क्या बोलना। ये राजनीति में ऐसे एकदम घटिया किस्म के बयान, अच्छे बयान दोनों को मिला के ये ऐसी कौन सी राजनीति हो रही है मोहन भागवत जी। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पहले भाईचारा होना चाहिए, जो पिछले 7 साल में कम हो गया है। ये जो भी शब्द है और ये अमित शाह नरेंद्र मोदी के मुंह से बुलवाओ या फिर इनको सत्ता से अलग करके महामंडल में बिठा दो। नमस्कार, मोहन भागवत जी, आरएसएस भाजपा के मैन सर संचालक गिनो जो भी गिनो, तो और आपको तो सिक्योरिटी भी अच्छी मिलती है, और आपका अभी बयान कि देश में हिंदू मुसलमान सबका डीएनए एक है, आपने बहुत सही बात बोली है, काफी समय के बाद बोली है। पिछले कई सालों में 2002 से आज तक कितने ही निर्दोष लघुमती समाज के लोगों को ऊपर पहुंचा दिया लोगों ने, और काफी समय के बाद ये बात बोली है। क्या कारण था वो आपको पता होगा मोहन भागवत जी, क्या आपको प्रधानमंत्री बनना है, और आपने जो शब्द कहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, सबका डीएनए एक है, तो ये बात आपने कहते हुए कह दी है, पर ये शब्द नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से लोगों को सुनने के लिए अच्छे लगते अगर उन्होंने कहा होता तो। और चलो ये बात भी इन्होंने नहीं कही है तो उनके मुंह से अब ये भी तो बुलवा दो कि एनआरसी सीएए का कोई मतलब नहीं है ना, फालतू खर्च है। कश्मीर में 370 हटाने के बाद वहां के नेताओं को काफी समय तक खामोश कर दिया, नजर कैद कर दिया कि जेल में डाल दिया, जो भी हो मोदी जी जाने आप जानो, उनको कौन सी गैंग बोली थी यही भाजपा सरकार के लोगों ने। और फिर इनके साथ पिछले समय में भी वीक में तस्वीरें खिंचवाई, मीटिंग की, तो आज क्या बोलना कल क्या बोलना। ये राजनीति में ऐसे एकदम घटिया किस्म के बयान, अच्छे बयान दोनों को मिला के ये ऐसी कौन सी राजनीति हो रही है मोहन भागवत जी। और सबका डीएनए एक है तो चलो जो भी है, राम मंदिर बना रहे हो उसमें भी अब केयरटेकर की भूमिका आरएसएस का ही आदमी निभाएगा, तो दूसरे जो मुद्दे है देश को बर्बाद करने वाले, यहां हमारा हक है, ये है वो है, तो उसको भी सारे मुद्दे को दफन कर दो, मतलब के मुद्दे को मिटा दो। ये बात भी आरएसएस या भाजपा वाले सारे नेताओं मिलकर बोलो, सारी बात मिलकर बोलोगे तो ही देश में विश्वास का वातावरण बनेगा। आप ये चाहते हो कि भाई आने वाले चुनाव को हम जीतने के लिए ये 2-4 फेंक देते हैं, बस शब्द फेंक देते हैं, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पहले भाईचारा होना चाहिए, जो पिछले 7 साल में कम हो गया है, और जहां अभी ये तो आप जानते ही हो, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, पर ये जो भी शब्द है और ये अमित शाह नरेंद्र मोदी के मुंह से बुलवाओ या फिर इनको सत्ता से अलग करके महामंडल में बिठा दो, जैसे अडवाणी बैठे हैं ऐसे बिठा दो, योगी भी है, ऐसे है 8-10 नेता और अच्छे आदमी है भाजपा में, थोड़े तो है, तो उन लोगों के द्वारा देश में जहां आपको बहुमत मिला है वहां शासन करो, तो आने वाले समय में देश की सारी जनता कुछ सोचेगी कि आपको मत देना या नहीं देना। बाकी ये बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। मोहन भागवत जी, अगर आपकी इच्छा है तो आप प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो जनता ये भी देख ले क्योंकि 3 साल का अभी समय बाकी है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।